वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम असीम कुमार मंडल एज अ मैथमेटिक्स टीचर रिप्रेजेंटिंग शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा। स्टूडेंट, टुडे आई एम टेकिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 मैथमेटिक्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। वी टेकिंग द पोर्शन डिफरेंशिबिलिटी। कल मैंने आपको बता देता व्हाट इज द मीन ऑफ द डिफरेंशिएशन, हाउ टू रिलेट विद द इंटीग्रेशन, और हमने कहीं ना कहीं इन द प्रीवियस वीडियो वी सीन द रूल्स नंबर 1, 2, 3 एंड 4। What is the mean of the rule number first? D by dx of x to the power anything, anything that means a positive, negative, a part of zero. ठीक है, पावर उठ के आ गया है, पावर में से एक कम। सेकंड वन, d by dx of constant into variable, constant into variable that means a variable in the form of the with respect to, दोनों सेम होने चाहिए तो हम उसको वेरिएबल बोलेंगे। कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट बाहर चले जाएगा, d by dx of x to the power n। थर्ड वन, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, वाट इज द मीन ऑफ द कॉन्स्टेंट, डी बाई डी एक्स दैट मीन्स अ पार्ट ऑफ एक्स, ईच एंड एवरी थिंग इज अ कॉन्स्टेंट। अगर जो किसी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट है देन मीन्स डिफरेंशिएशन विल बी इक्वल ऑफ जीरो। फोर्थ वन, ठीक है, नाउ वी टेकिंग द डिफरेंट डिफरेंट रूल्स, ऐसे तो मैं इसको रूल नहीं बोलूंगा, बहुत आर द फॉर्मूलाज। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, मैथमेटिक्स दैट मीन्स अ गेम ऑफ फॉर्मूलाज। अगर जो आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स दैट मीन्स अ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स विल बी इक्वल ऑफ माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स विल बी इक्वल ऑफ सेक स्क्वेयर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इन टू टेन एक्स, एंड फाइनली डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बोथ आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कोस टेन कोसेक सेक एंड कॉट। ठीक है, आपको इतना समझ आ चुका होगा। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज है स्टूडेंट। नाउ वी टेक द डिफरेंट फॉर्मूलाज, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, e टू द पावर x विल बी इक्वल ऑफ e टू द पावर x। एज अ टीचर जो बोल रहा हूँ थोड़ा गलत है, बट आप एज अ ट्यूटर इसको सुनेंगे, e टू द पावर x इसको हम बोलते हैं सिंपल मैथमेटिक्स में निसरडा फंक्शन। मतलब इसका डिफरेंशिएशन करूँ या इंटीग्रेशन करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट। d बाई डी एक्स ई टू द पावर x, e टू द पावर x और इंटीग्रेशन e टू द पावर x ऑल्सो इक्वल टू e टू द पावर x। याद रहेगा आपको, e टू द पावर x कभी चेंज नहीं होता है। d बाई डी एक्स ई टू द पावर x विल बी इक्वल ऑफ e टू द पावर x एंड इंटीग्रेशन e टू द पावर x ऑल्सो इक्वल टू e टू द पावर x। नाउ नेक्स्ट वन, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस x will be equal of minus e to the power minus x। last one for today, मैं last one मतलब आज के लिए इतना बढ़ाएंगे हम, d by dx a to the power x will be equal of a to the power x log a base e। student, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये जो फॉर्मूलेस आपने बोले हैं, ठीक है, हाउ टू प्रूफ d by dx of sin x equal to cos x। तो मैं आपको बता दूं, आपने क्लास 11th में पढ़ा है, ठीक है, मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है और आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या मेथड का नाम था? फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, बाय यूज ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल वी हैव टू प्रूफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स विल बी इक्वल ऑफ कोस एक्स। सभी जितने भी फॉर्मूलेस है डिफरेंशिएशन के, ठीक है, उनको हम किसके यूज से करेंगे? बाय यूज ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर जो आपको नहीं आता तो मैं किसी वीडियो में उसको भी हैंडल करूंगा। नाउ वी टेक, ठीक है, रूल नंबर फोर्थ। आज हम एक गजब का रूल पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, रूल नंबर फोर्थ, और कहीं ना कहीं आज हमको रूल नंबर फोर्थ और रूल नंबर फाइव दोनों को कवर करना। सर हाउ मेनी रूल्स आर देयर? मे बी 9 to 10 फंडामेंटल रूल्स टू सॉल्व द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन रूल नंबर फर्स्ट स्टूडेंट, बी फोकस डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। वाट इज द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड? बोथ आर द फंक्शंस ऑफ वेरिएबल एक्स, बोथ आर द फंक्शन। हाउ टू सॉल्व? ठीक है, ध्यान से देखिए, कल हमने जो क्वेश्चन लिया था, डी बाई डी एक्स थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है, 1, 2, 3, हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर? 3, बट इन बिटवीन वी कंसिस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। इन द केस ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन
हम वहां पर सिर्फ और सिर्फ सेपरेट करते हैं स्टूडेंट, ओनली सेपरेशन इज देयर बिटवीन द फंक्शंस प्लस एंड माइनस, सेपरेट करेंगे एंड सिंपली डिफरेंशिएशन। नाउ वी टेक द रूल नंबर फोर्थ, ठीक है, इस केस में इन बिटवीन द फंक्शंस वी यूज द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, मल्टीप्लाई होगा तो अलग रूल, डिवाइड होगा तो अलग रूल, यूं कर दिया मतलब देन आफ्टर, इसके बाद हम डिवाइड भी सीखेंगे। नाउ स्टूडेंट वी टेकिंग अबाउट द डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू फंक्शन विच कंसिस्ट द मल्टीप्लीकेशन डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स, फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एंड एक्स, e to the power x into x, यहां पर ये फर्स्ट है और यहां पर ये सेकेंड है, बोथ आर द फंक्शंस ऑफ वेरिएबल x विच कंसिस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, इनके बीच में क्या है मल्टीप्लाई, प्लस माइनस नहीं है स्टूडेंट, वी टेक द मल्टीप्लाई। सो व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरी, ध्यान से देखिए, फर्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। स्टूडेंट आपको ये याद करने का मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, ठीक है, लेट मी कंसिडर, मान लीजिए आपके घर में आप दो ब्रदर है, हाउ मेनी ब्रदर्स यू हैव, टू ब्रदर्स, और आपके पिताजी ने किसी गलती पे आपको मारने का फैसला करा है, तो कैसे वो आपको मारते हैं, सर पहले को घर के बाहर निकाला दूसरे को मारा, दूसरे को बाहर निकाला पहले को मारा, हो गई पिटाई संपन्न। तो जब भी हम दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे दैट मींस अ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। वाई वी टेक द रियल एग्जाम्पल, ध्यान सुनिएगा, इसमें दोनों भाई में से किसी को भी कभी भी मारो फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं स्पेशल थिंग्स बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, इन द केस ऑफ डिफरेंशिएशन हम किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकेंड कंसीडर कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ इंटीग्रेशन वी हैव द नंबर ऑफ रूल्स टू सिलेक्ट द फर्स्ट एंड सेकेंड। मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन में हम किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकेंड मान सकते हैं, बट इन द केस ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सिलेक्ट कैसे करें उसके लिए भी नंबर ऑफ रूल्स है। नाउ ठीक है, वी टेक द एग्जाम्पल स्टूडेंट, एग्जाम्पल ठीक है, लेट वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स। क्वेश्चन कैसा आएगा, इफ वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स देन फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। ध्यान से देखिए, टेकिंग डिफरेंशिएशन इन बोथ साइड दैट मीन्स अ डी बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स, हियर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और हियर e टू दी पावर एक्स इंटू एक्स। सर आपके मन में क्या आया, सर हम किसको फर्स्ट मान ले, वी सिलेक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। सो बाई यूज ऑफ द फंडामेंटल थ्योरी डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल ऑफ, प्रोडक्ट फॉर्मूला बोला जाता है सर इसको, प्रोडक्ट फॉर्मूला, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। स्टूडेंट अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो e टू दी पावर x है ये तो बाहर है, यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ x है ये x बाहर है, d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x जिसके आगे d बाई डी एक्स है सिर्फ उसी को सॉल्व करना है, एंड d बाई डी एक्स ऑफ x कल हमने इस फॉर्मूले को देखा था d बाई डी एक्स ऑफ x विल बी इक्वल ऑफ 1, आपको याद है, सो वेरी गुड, याद है तो डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है, वी गेटिंग ई टू दी पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विल बी इक्वल ऑफ 1 एंड एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स दैट मीन्स विल बी इक्वल ऑफ ई टू दी पावर एक्स। सर 110% करेक्ट आंसर, बट अगर जो हमको और सॉल्व करना है सो वी सिलेक्ट डी वाई बाई डी एक्स हियर e to the power x is a common vector, then we getting 1 plus x is a final answer. I hope student you getting the proper solution regarding to the rule number 4th. What is the mean of the rule number 4th? ध्यान से सुनिए, देखिए मेरे माइंड में एक चीज आ रही है कि मैं रूल नंबर 5 को भी यहीं पर करके बताऊं ताकि आपके माइंड में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 4th प्रोडक्ट एंड रूल नंबर 5 दैट मींस अ डिवाइड, इन द केस ऑफ द मल्टीप्लाई
फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, वाई वी चूज डी बाई डी एक्स। ठीक है, अगर जो डिमांड होगी डी बाई डी वाई निकालने की, तो हम वो भी निकालेंगे, डी एक्स दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ वी टेकिंग द अनदर फंडामेंटल थ्योरी अबाउट द रूल नंबर फाइव। रूल नंबर फाइव दैट मीन्स अ डिवाइड फॉर्मूला, मल्टीप्लाई नाउ डिवाइड डी बाई डी एक्स। ठीक है, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड। सो इसका फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड। बट यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड के लिए मैं आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बता देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सर हमेशा ये फॉर्मूला स्टार्ट होता है डिनोमिनेटर से। सो डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होल बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वेयर। स्टूडेंट ठीक है, दोनों फॉर्मूले को आप कंपेयर कीजिए, बोथ आर द अल्टरनेट सॉल्यूशन, मतलब फर्स्ट सेकेंड सेकेंड, फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड सेकेंड, फर्स्ट ये तो अल्टरनेट। इन द केस ऑफ मल्टीप्लाई वी यूज द पॉजिटिव साइन, इन द केस ऑफ द डिवाइड वी यूज द माइनस साइन। और छोटी सी बात है सर, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको याद करने की एक ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक बताई थी स्टूडेंट जल्दी से बोलिए। दो ब्रदर है तो पापा कैसे मारते हैं, पहले को बाहर निकाला दूसरे को मारा, प्लस दूसरे को निकाला पहले को मारा। सर यहाँ पर भी एक ट्रिक देखी है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर समझिए, ये जो है ये डबल मंजिल घर है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो याद रखिए स्टूडेंट जो बेस होता है उस पर ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर क्या करा बेस स्क्वेयर, मतलब उस पर ज्यादा कॉस्ट लग रही है। और जब भी घर बनता है तो शुरुआत कहाँ से होती है, नीचे से, दैट मीन्स डिनोमिनेटर। याद रहेगा नीचे से शुरुआत हुई, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स, न्यूमरेटर न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर। याद रहेगा स्टूडेंट, ये तो सर अपनी एक ट्रीक है, आपको समझ आ रही है बातें, ये सिर्फ एक ट्रीक है, बट आपको फॉर्मूले को हो सके तो बहुत अच्छे से याद करना चाहिए। नाउ वी टेक द अनादर एग्जाम्पल। ठीक है, फाइंड डी बाई डी एक्स वेन वाई विल बी इक्वल ऑफ ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स। वाई विल बी इक्वल ऑफ ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स। नाउ ठीक है, वी टेकिंग द डिफरेंशिएशन इन बोथ साइड, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स। हियर इज अ वाई, हियर ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाय एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स, शुरुआत कहाँ से करो स्टूडेंट बोलिए, शुरुआत स्टूडेंट होगी नीचे से, वेरी गुड, नीचे दैट मीन्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिमरेटर माइनस निमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होल बाय डिनोमिनेटर स्क्वेयर। स्टूडेंट आपको फॉर्मूला सब्सिट्यूट करना आया है, डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे से शुरुआत, डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर होल बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वेयर। डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स एंड डी बाई डी एक्स एक्स। सो वी टेक डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, दैट मीन्स ई टू द पावर एक्स, e टू दी पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है स्टूडेंट, वन एंड एक्स स्क्वेयर। सो वी टेक e टू दी पावर एक्स एज अ कॉमन फैक्टर, देन फाइनली वी गेटिंग द एक्स माइनस वन होल बाय एक्स स्क्वेयर। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सोल्यूशन रिलेटेड टू क्वेश्चन रूल नंबर फोर एंड रूल नंबर फाइव। नाउ वी टेक द अनादर क्वेश्चन। ठीक है, आपको इतना समझ आया स्टूडेंट, अगर जो समझ आ रहा है तो आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लीजिए, देन यू गेटिंग द ठीक है नोट्स, आपको नोट्स भी बनते चले जाएंगे। लेट वी कंसिडर वाई विल बी इक्वल, वाई विल बी इक्वल थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव होल बाय, ओ सॉरी इधर मल्टीप्लाई वाला आपको समझाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स, मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव इंटू साइन एक्स। इन दिस क्वेश्चन आपको ये लग रहा होगा
फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन और ये कितना है, फोर्थ फंक्शन। बट सर यहाँ तो मल्टीप्लाई में कितने होते हैं, वन एंड टू। तो सर इसको हम ऐसा अगर जो समझे, ये पूरा मिलके फर्स्ट पार्ट और ये अकेला इंडिविजुअल कितना हो गया, सेकंड पार्ट। हो सकता है सर ऐसा? वेरी गुड। नाउ नाउ डी बाई डी एक्स इन बोथ साइड, डी बाई बाई डी एक्स वाई एंड डी बाई डी एक्स इधर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3x² प्लस 4x प्लस 5 इंटू साइन एक्स स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स एज अ एल एच एस। नाउ ठीक है, डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड विल बी इक्वल ऑफ फर्स्ट, दैट मीन्स अ 3x² प्लस 4x प्लस 5 फर्स्ट, डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड एंड फाइनली डी बाई डी एक्स फर्स्ट। फर्स्ट मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, 3x² प्लस 4x प्लस 4x प्लस 5। आप देखिए ये ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आप देख चुके हैं अभी। ठीक है नाउ, ठीक है, हाउ टू सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स स्टूडेंट, इसके सामने कहीं डी वाई डी एक्स दिख रहा है, नहीं मतलब इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है। सो वी टेकिंग 3x² प्लस 4x प्लस 5। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स विल बी इक्वल ऑफ पॉजिटिव कॉस एक्स। तो डी बाई डी एक्स, कुछ बच्चे सोचते हैं, कुछ बच्चे ठीक है, मैं भी अपने बचपन में कुछ भी सोच सकता था। ठीक है, इसको ये मत सोचिएगा कि हमारे पास माइंड कम है, नहीं सर, हम दूसरों से डिफरेंट और स्पेशल है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स, सर डी बाई डी एक्स कहाँ गया, सोल्व हो गया तो हट गया। सो डी बाई डी एक्स बोथ विल बी इक्वल ऑफ कॉस एक्स प्लस प्लस साइन एक्स। अब देखिए सर, ये खुद अपने आप में एक क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस 4x प्लस 5। सर डी बाई डी एक्स जब सेपरेट होगा तो 3 कॉन्स्टेंट, सर ऐसा आपने क्यों लिखा, अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल, तो कॉन्स्टेंट कहाँ चले जाएगा, बाहर। तो सर ये फिर से डी बाई डी एक्स देन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एंड 5। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये आपके पास 3x² प्लस 4x प्लस 5 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। थोड़ा मुझे जल्दी बताएंगे, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर कितना होगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वेयर पावर उड़ के आ गई, पावर में से एक कम, तो 2 3 जा 6। आपको बात समझ आ रही है? ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने 4, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विल बी इक्विवेलेंट ऑफ 1, 1 इंटू 4 दैट मीन्स ऑफ 4 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट विल बी इक्वल ऑफ 0, दैट इज अ फाइनल रिजल्ट। वाई सर फाइनल रिजल्ट, मुझे यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट नाउ वी टेकिंग द अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू द फंडामेंटल थ्योरी रूल नंबर 4, रूल नंबर 5। जैसा कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ई टू द पावर एक्स साइन कोस बाय लोग, सर हमारे पास कहीं ना कहीं यही टर्म्स और इन्हीं के बेसिस पे हमको फॉर्मूलेज मतलब क्वेश्चंस बनाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, y विल बी इक्वल ऑफ e टू द पावर x होल बाय साइन x एंड सेकंड y इक्वल टू कोस बाय लोग। ठीक है, अगर जो आपको कोई और भी क्वेश्चन है, जो डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चंस को दीजिएगा, मैं अपने सेकंड टॉपिक में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। नाउ वी टेकिंग द क्वेश्चन y विल बी इक्वल ऑफ e टू द पावर x बाय साइन x। ठीक है, सॉल्यूशन इज देयर, गिवन दैट वाई विल बी इक्वल ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। नाउ वी टेकिंग द डिफरेंशिएशन इन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन इन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सच दैट डी वाई डी एक्स एंड डी वाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स होल बाय साइन एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल, हियर वी यूज द डिवाइड फॉर्मूला न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो वी विल स्टार्ट विद द डिनोमिनेटर साइन एक्स डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस ई टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स एंड होल बाय डिनोमिनेटर स्क्वेयर दैट मीन्स साइन एक्स होल स्क्वेयर। स्टूडेंट इन द केस ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी विल स्टार्ट विद द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल ऑफ साइन एक्स
डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स निसला फंक्शन विल बी इक्वल ऑफ ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स विल बी इक्वल ऑफ कॉस एक्स। फाइनली साइन एक्स होल स्क्वेयर अबाउट क्लास 10th स्क्वेयर कहां पर आ जाएगा, साइन स्क्वेयर एक्स। स्टूडेंट डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट, व्हाई वी चूज ऑलमोस्ट, 99.99% कंप्लीट, सिंप्लीफाई ठीक है, जितना सिंपल हो सके ई टू द पावर एक्स एंड ई टू द पावर एक्स, सो वी टेक द ई टू द पावर एक्स एज अ कॉमन फैक्टर गेटिंग साइन एक्स माइनस कोस एक्स होल बाय साइन स्क्वेयर एक्स। स्टूडेंट नाउ वी टेकिंग द अनदर एग्जाम्पल ठीक है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। वाई विल बी इक्वल ऑफ कोस बाय लॉग एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन इन विच आई इंट्रोड्यूस लॉग एक्स इन द केस ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फर्स्टली वी चूज द डिफरेंशिएशन इन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स विल बी इक्वल ऑफ कोस एक्स होल बाय लॉग एक्स, यू नो दैट वेरी वेल ठीक है। अभी आपने इतनी बार फॉर्मूला देखा, इन द केस ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी विल स्टार्ट विद द डिनोमिनेटर सच दैट लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स माइनस कोस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होल बाय डिनोमिनेटर स्क्वेयर। स्टूडेंट मैंने जैसे ही बोला है बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में, आपको सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स विल बी इक्वल ऑफ माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, हियर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स विल बी इक्वल ऑफ वन बाय एक्स, याद रहेगा स्टूडेंट डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स विल बी इक्वल ऑफ वन बाय एक्स होल अपॉन लॉग एक्स होल स्क्वेयर। स्टूडेंट नाउ टाइम फॉर सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई दैट मीन्स सिर्फ सिंपल करेंगे, सो वी टेक माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स एंड हियर कोस एक्स डिवाइड बाय एक्स होल बाय लॉग एक्स। स्टूडेंट एक छोटी सी प्रॉब्लम, बच्चे सोचते हैं सर हम एक्स से एक्स कैंसिल कर सकते हैं क्या, द फ्रंट ऑफ साइन कोस टेन कोस एक्स से कोट लॉग ए टू दी पावर ए टू दी पावर, ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये एंगल है और ये हमारा वेरिएबल है, याद रखिएगा एंगल में ना कुछ प्लस होता है ना माइनस होता है ना इंटू होता है ना डिवाइड होता है, दैट मीन्स यहाँ पर कोस एक्स बाय एक्स ऐसा ही रहेगा। हाँ स्टूडेंट नाउ वी टेकिंग द अनदर क्वेश्चन, वाई विल बी इक्वल ऑफ एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स एंड साइन एक्स, वॉट इज द डिफरेंस फ्रॉम द अनदर क्वेश्चन, इसमें आपको मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड दोनों एक साथ दिख रहा है, हाउ वी सॉल्व, वी टेकिंग द डिफरेंशिएशन इन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स हियर एंड डी बाई डी एक्स ऑल्सो हियर, एक्स ई टू दी पावर एक्स। आप बोलेंगे सर ये जो एक्स है ये तो आपने चेंज कर दिया सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन द केस ऑफ द डिफरेंशिएशन वी कैन चूज फर्स्ट एंड सेकेंड, डिपेंड्स ऑन मी, हम पे डिपेंड करता है सर, सो डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर, यू नो दैट अबाउट द बोडमास रूल, बचपने का याद है, ब्रेकेट ऑपरेशन डिवाइड एंड मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स इन द केस ऑफ द डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन वी हैव टू चूज डिवाइड, हमको पहले क्या करना पड़ेगा डिवाइड वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सर आप क्लास 12th में, मतलब ये मत समझिए कि मुझे सिर्फ 12th का पढ़ना, आपको बेसिक बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना भी जरूरी है, डी बाई डी एक्स धीस एंड धीस, मतलब ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमेटर, वी विल स्टार्ट द डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमेटर ठीक है, डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर, याद आ गया फॉर्मूला, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एंड डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर, सो डिवाइड बाय साइन एक्स होल स्क्वेयर। स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स, स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, मैंने जैसा बताया है
कि जिन फंक्शंस के आगे डी बाई डी एक्स सिर्फ उन्हीं को सोल्व करना है, बाकी सेम टू सेम, दैट मीन्स साइन एक्स। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने फिर से एक फंडामेंटल थ्योरी लगाई, मल्टीप्लिकेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस, ठीक है ये ऐसा ही है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स विल बी इक्वल ऑफ पॉजिटिव कॉस एक्स एंड साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, ऑलमोस्ट डिफरेंशिएशन कंप्लीट, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल ऑफ साइन एक्स स्टूडेंट एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स विल बी इक्वल ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विल बी इक्वल ऑफ वन। ठीक है, माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स होल डिवाइड बाय साइन स्क्वेयर एक्स। स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल ऑफ हियर एक्स टू दी टू द पावर एक्स हियर ई टू द पावर एक्स सो वी टेकिंग ई टू द पावर एक्स एज अ कॉमन फैक्टर देन वी गेटिंग एक्स प्लस वन और यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है एक्स ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स विथ नेगेटिव साइन डिवाइड बाई साइन स्क्वेयर एक्स। स्टूडेंट फाइनल स्टेप, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स इज अनदर कॉमन फैक्टर बिटवीन द बोथ टर्म्स। सो ठीक है, यहाँ पर कितना बच रहा है साइन एक्स एक्स प्लस वन एंड माइनस एक्स कॉस एक्स होल डिवाइड बाय साइन स्क्वेयर एक्स। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द फाइनल सॉल्यूशन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ, ये सारे आपके कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले या छोटी छोटी आइडेंटिटीज है जो आपको याद होना चाहिए। आज हमने नया क्या सीखा, डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड रूल डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर दैट मीन्स डिनोमीटर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमीटर होल बाय डिनोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ टुडे। आई एम असीम कुमार मंडल, थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा।